हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 23 दिन कंप्लीट करके आज 24वें दिन में एंट्री मार ली है और पठान के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को ये कल ही धराशायी कर चुकी थी, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो आज ये 24वें दिन में ऑफिशियली पठान के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड को, लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को बीट डाउन कर देगी। तो अभी बात करते हैं जवान ने कितनी कमाई कर ली है अभी तक, कल 23वां दिन कैसा रहा, आज की 24वें दिन की ग्रोथ कैसी चल रही है, सैटरडे की ग्रोथ कैसी चल रही है, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है ये मूवी, फर्स्ट वीक में कितनी कमाई करी, फर्स्ट दोनों वीक में कितनी कमाई करी है, सभी बातों पर डिटेल टू डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर जवान से रिलेटेड, शाहरुख खान की फिल्म से रिलेटेड लगातार बिग अपडेट चाहते हैं तब तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण और संजय दत्त देखने को मिलेंगे। दिग्गज स्टार नयनतारा सेकेंड लीड में बहुत ही जबरदस्त साथ निभाया है शाहरुख खान का। सपोर्टिंग कास्ट में सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर ने भी जबरदस्त काम किया है। विलेन विजय सेतुपति ने भी अमेजिंग जॉब किया है, एक नेगेटिव का कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से पकड़ा है। तो अभी बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया 130 करोड़ का और पहला हफ्ता कंप्लीट करते हुए सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ किया, नेट कलेक्शन 369 करोड़ और पूरी दुनिया से 660 करोड़ कंप्लीट कर लिया था पहले हफ्ते में ही। और पहले 10 दिन में ही 396 करोड़ सिर्फ हिंदी से कमाया और ऑल इंडिया नेट से 442 करोड़ और पूरी दुनिया से आंकड़ा पहले 10 दिन में 812 करोड़ का हो चुका था। इसी के साथ पहले दो हफ्ते में सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर लिया था, नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ था और पूरी दुनिया से 922 करोड़ के आंकड़े को इसने कंप्लीट कर लिया था अपने पहले दो हफ्ते में ही। इसी के साथ 15वें, 16वें, 17वें और 18वें दिन में भी जबरदस्त ग्रोथ करते हुए पहले 17 दिन में ही सिर्फ हिंदी से 492 करोड़ का कलेक्शन किया और पूरी दुनिया से 979 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। इसी के साथ 18वें, 19वें और 20वें दिन में भी जबरदस्त कमाई करी थी, लेकिन यहां तक ग्रोथ में डिप देखने को मिल रही थी वर्किंग डेज के कारण और एक आध मूवी रिलीज होने के कारण। तो पहले 20 ही दिनों में सिर्फ हिंदी से मूवी ने 515 करोड़ टच कर लिया था और नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ हो चुका था और ग्रॉस वही रहा था 636 करोड़ और ओवरसीज से पहले 20 दिन में ही 335 करोड़ आ चुका था। टोटल पूरी दुनिया से 1022 करोड़ हो चुका था यह कलेक्शन। बात करें 21वें दिन की कैसी ग्रोथ है, तो हिंदी से 4.5 करोड़ आया था, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 4.9 करोड़, ग्रॉस से 6 करोड़ और पूरी दुनिया से 8 करोड़। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 21 दिन में ही 519 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 21 दिनों में ही 575 करोड़ हो चुका था और पूरी दुनिया से 21 दिन में ही, पहले 21 दिन में ही 1030 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी थी। बात करें 22वें दिन कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही, क्योंकि यहां तक मूवी को बहुत से कंपटीशन मिलने लगा था, क्योंकि इस दिन फुकरे 3 और वैक्सीन वॉर भी रिलीज करी गई थी और गदर 2 तो चली रही थी, साथ में द ग्रेट इंडियन फैमिली भी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड मास्टर माइंड गेम ये खेला मेकर्स ने कि बाय वन गेट वन फ्री का टिकट दे दिया। बिल्कुल होप नहीं थी कि इतनी बड़ी कलेक्शन आ जाएगी, सब सोच रहे थे 3 से 4 करोड़ के कलेक्शन में जाके निपट जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। दोनों नई फिल्मों को जबरदस्त टक्कर दिया और फुकरे 3 की जो फर्स्ट डे की कलेक्शन थी 8 करोड़, उसको बीट डाउन करके 10 करोड़ कलेक्शन किया था पूरी दुनिया से। यहाँ दोस्तों सिर्फ हिंदी से मूवी 5.80 का कलेक्शन लाई और यहाँ पर तमिल की भी कलेक्शन स्लो हो चुकी थी, तमिल तेलुगु से साउथ के कलेक्शन भी स्लो हो चुकी थी, क्योंकि स्कंदा जो मूवी है रामपुथिनेनी की, वो रिलीज करी गई थी जवान के 22वें दिन में, तो यहाँ पर साउथ में भी टक्कर देखने को मिला, इसीलिए वहाँ से 16 लाख का ही कलेक्शन आया और नेट इंडियन कलेक्शन 22वें दिन में 6 करोड़ रहा, ग्रॉस कलेक्शन 8 करोड़ रहा, ओवरसीज से 2 करोड़ आया और पूरी दुनिया से 10 करोड़ की कमाई करते दिखी अपने 10वें दिन में। इसी के साथ पहले 22 दिन में ही सिर्फ हिंदी से होता है टोटल 525 करोड़ और इसी के साथ पहले 22 दिन में ही नेट इंडियन कलेक्शन 584 करोड़, ग्रॉस रहा 699 करोड़ और ओवरसीज से आया पहले 22 दिन में ही 340 करोड़। तो टोटल हो जाता है अभी तक पूरे पहले 22 दिन का 1043 करोड़। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन। बात करें कल यानी फ्राइडे की, यानी 23वें दिन कैसी ग्रोथ रही, एवरेज ग्रोथ रही फ्राइडे वर्किंग डे के कारण, ग्रोथ में डिप देखने को
मिला। साथ में गदर 2 अभी भी जबरदस्त तरीके से चल रही थी, ग्रेट इंडियन फैमिली, फुकरे 3, वैक्सीन वॉर, ये सारी मूवी सोच खा रही थी। साउथ में हमारी रामपुथेनिनी की स्कंदा मूवी होगी, तो ये सारी मूवीज जवान के सोच खाने में कामयाब तो रही, लेकिन उतना नहीं रही, क्योंकि मेकर्स ने यहाँ गेम क्या चला, बाय वन गेट वन फ्री, और यहाँ से उछाल देखने को मिला। नई नई फिल्मों को जबरदस्त तरीके से धराशायी कर रही, तो सिर्फ हिंदी से कल आया 5 करोड़ का कलेक्शन, जबकि उम्मीद ही नहीं थी, सिर्फ हिंदी से 3 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद थी, 2 करोड़ उछाल मार गया। अभी अर्ली एस्टिमेट्स हैं, अभी जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो 5 करोड़ से ऊपर ही होगा डेफिनेटली। तो इंडिया से टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 5.2 करोड़ हो चुका है, क्योंकि साउथ में अब बिल्कुल कमाई देखने को नहीं मिल रही है, चाहे आप सैटरडे ले लो चाहे संडे ले लो, क्योंकि साउथ की ऑडियंस पहले अपनी रीजनल मूवी को ही प्रीफ्रेंस देते हैं। और ग्रॉस से 6.5 करोड़ कमाती दिखी, और कल पूरी दुनिया से 11 करोड़ का कलेक्शन आया, ओवरसीज से जबरदस्त कलेक्शन आया है, 5 करोड़ का सॉलिड कलेक्शन आया है। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 23 दिन में ही 530 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखी थी मूवी, और पहले 23 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन का लैंड ऑफ द डे तक 589 करोड़ हो चुका था, और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 23 दिन में 1050 करोड़ के कलेक्शन को अपने खाते में रख लिया था, और यहाँ तक भाई साहब पठान का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पूरा मैच कर दिया। पठान का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 1050 करोड़ का, अभी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि 1050 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। तो कल एंड ऑफ द डे तक पठान को ये धराशाही कर चुकी थी ये मूवी, बट अभी के लिए नहीं मानते हैं, अभी के लिए मैचअप मानते हैं, और आज जब 24वें दिन की कलेक्शन आएगी तो ये पठान को कहीं पीछे छोड़ देगी, नॉट 1-2 करोड़ से पीछे, 10-12 करोड़ का अंतर हो जाएगा पठान के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और जवान का लाइफ टाइम कलेक्शन अभी जो रनिंग चल रहा है। और अभी तो और ये मूवी बाकी है कलेक्शन करने के मामले में, अभी और टिकनी है ये। तो बात करें आज 24वें दिन की, यानी सैटरडे को कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज उछाल मारते नजर आ रही है, क्योंकि सैटरडे संडे पर हमें बूस्टर देखने को मिलता ही मिलता है। तो 2 ताज़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, फुकरे 3 वैक्सीन वॉर उसको सीधा खदेड़ रही है, गदर 2 को भी खदेड़ रही है, तो सभी को खदेड़ते जा रही है, लेकिन साउथ में उतना परचम नहीं लहरा पा रही है। तो आज की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है 15-20% की, जिसमें इवनिंग और नाइट में अच्छे खासे शोज देखने को मिल रहे हैं, और हाउसफुल शोज भी देखने को मिल रहे हैं कुछ एक जगह। तो एंड ऑफ द डे तक ये ऑल इंडिया नेट से 7 करोड़ की कमाई करती दिख रही, जिसमें सिर्फ हिंदी से 6.5 करोड़ आता दिख रहा है, और पूरी दुनिया से 14 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है ये मूवी। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 24 दिन में ही 537 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगी, और पहले 24 दिन में ही एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 596 करोड़, भाई साहब सिर्फ 2-3 करोड़ का अंतर और है, और ये मूवी 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मार जाएगी नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में, जबकि पठान का नेट इंडियन कलेक्शन रहा था 543 करोड़। तो आप सोच सकते हो कि ये हर जगह अपना रिकॉर्ड सेट करके बैठी पड़ी है, रिकॉर्ड तोड़ नहीं रही है, रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है, जो भी रिकॉर्ड तो ये चुटकियों में तोड़ के आ चुकी है मूवी। तो पूरी दुनिया से जवान आज एंड ऑफ द डे तक 1064 करोड़ कंप्लीट कर लेगी, भाई साहब पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड है 1050 करोड़, और उसको बीट कर रही है ये पूरे 14 करोड़ के अंतर के साथ। अमेजिंग अमेजिंग एंड ह्यूज ह्यूज ग्रोथ, भाई मज़ा आ गया है भाई, क्योंकि बॉलीवुड और हिंदी की मूवी मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो अभी क्या आंकड़ा लेते हैं कि लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी का और कितना कर सकती है, मैं मान के चल रहा हूँ 1150 करोड़ तो ये टच करेगी ही करेगी, ईजिली टच करेगी, और 1200 करोड़ भी अब देखने को लग रहा है सॉलिड, क्योंकि आज और कल की ग्रोथ संडे की ग्रोथ में बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा बूस्टर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की कह रहा है क्या मूवी अभी 1200 करोड़ टच कर सकती है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।